अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिनाज डायरी। तो कैसे हैं आप सब? तो वेलकम आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। और ये वीडियो है मेरी ट्रैवल व्लॉग, और ये ट्रैवल व्लॉग है दिल्ली टू बोकारो स्टील सिटी झारखंड, मेरा होम टाउन। मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, और 1.5 साल हो गए हैं मुझे गए पे। मैं लॉकडाउन से पहले ही वहाँ गई थी लास्ट ईयर, मैं जनवरी में वहाँ गई थी, और होली के टाइम में मैं 2-4 दिन के लिए गई थी, और उसके बाद से लॉकडाउन लग चुका था। तो मैं वापस से अपने ससुराल चली गई थी, मेरा ससुराल गया, तो बस हम निकल चुके हैं। और हमने टैक्सी बुक की थी, तो टैक्सी से हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। और जैसे हम घर से निकले थे तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बट कहीं कहीं रास्ते में बारिश नहीं भी हो रही थी, लेकिन फिर जैसे ही हम स्टेशन के पास आए तो काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। और हमारी ट्रेन थी राजधानी, तो रांची राजधानी से हम जा रहे हैं, और जैसे ही बस हम स्टेशन पहुंचे तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमें जब उतर रहे थे तो थोड़ा सा मुश्किल हुई। और ये आ गए हम दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट, और ये देख सकते हैं आप कितनी बारिश हो रही है और किस तरह से खुली सामान लेके जा रही है। हमारा सामान नहीं है, हम अभी टैक्सी में ही बैठे हुए थे, बस सोच रहे थे कि कैसे हम थोड़ा सा और स्टेशन के साइड पर जाएँ और उतर के हम अपनी ट्रेन पे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं, तो बस इसी बीच हम उतरे और बस प्लेटफॉर्म पे गए, और प्लेटफॉर्म पे जाते के साथ हमारी ट्रेन लगी हुई थी राजधानी, और बस हम ट्रेन में बैठे हुए राजधानी। अभी अगर आप किसी भी राजधानी से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो चादर, कंबल, पिलो, पानी सब कुछ कैरी करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी ट्रेन से नहीं मिलेगी, तो मैंने सब कुछ ले लिया। तो ये रांची राजधानी है और टाइम 3:14 हो रहे हैं, और 3 बजे से ही ट्रेन लगी हुई थी, तो हम जैसे ही आए तो ट्रेन लगी हुई थी और हम चढ़ गए। और ये मैं दिखा रही हूँ बाथरूम नीट एंड क्लीन हो रहा है, ट्रेन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और मैं ये दिखा रही हूँ कि बहुत सारी सीट्स खाली थी, ट्रेन ऑलमोस्ट खाली जा रही थी, काफ़ी सीट्स बचे हुए थे, हमने आने से पहले भी चेक किया था। तो ये आप देख सकते हो, जैसे स्टार्टिंग वाला जो बर्थ है वो बिल्कुल भी खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। और दाएं देखाऊँ मैं बाएं देखाऊँ तो चारों तरफ खाली थी। हमने भी जहाँ रिजर्वेशन लिया था, जो हमारी 3 बर्थ थी, तो वहाँ पर भी कोई नहीं आया, हमने वेट किया शायद नेक्स्ट स्टेशन पर कोई आए। वैसे राजधानी का स्टॉपेज बोकारो तक 3 या 4 ही आता है, ज़्यादा आता नहीं है, बट मैं दिखा दे रही हूँ खाली है हर केबिन में। आप देख सकते हो कि हम 2-3 ऐसे करके हैं, मतलब अगर किसी फैमिली ने अगर अपनी टिकट कराई हो तो उतने ही लोग हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं या 2 लड़के हैं, या मैं अपने बच्चों के साथ जा रही थी, मेरे हस्बैंड नहीं गए हैं, मेरे हस्बैंड दिल्ली में ही हैं तो वो नहीं आए हमारे साथ। और ये मेरी सरप्राइज़ विज़िट थी, मेरे पापा का बर्थडे है 2 अगस्त को, तो मैंने सरप्राइज़ विज़िट दिया है अपने घर को, मम्मी पापा को मैंने नहीं बताया था, और ये मेरे बच्चे। और आने से पहले मैं ट्रेन पे जब हम आए थे तो फिर हमने सारी सीट्स को सैनिटाइज़ कर दिया था, नीट एंड क्लीन हो रही है, कोई क्राउड नहीं है। तो अभी इस टाइम में ट्रैवल करना इस तरह से 3 टियर में काफ़ी सेफ़ रहा हमारे लिए, और हमने कुछ भी नहीं लिया था ट्रेन का, हमने सब कुछ घर का लिया था, इवन के स्नैक्स है, चिप्स, चॉकलेट, जो कुछ भी है सारा कुछ लिया था। बस मैंने एक कॉफ़ी ली थी, और खाना भी मैंने घर का ही बना के लिया हुआ था, तो ये आप देख सकते हो। और जो जो जर्नी आ रहा है, तो ये शाम के 4 बजे चली थी ट्रेन, स्टार्ट हुई थी 4 बजे, और मॉर्निंग 7 o'clock के आसपास पहुंच गए थे हम। तो आप देख सकते हो कि ट्रेन खुल गई है, और बस हम अपने घर की तरफ, अपने होम टाउन जा रहे हैं, तो बहुत खुशी, और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि 1.5 साल से लॉकडाउन की वजह से हम घर में बिल्कुल ही बंद थे, तो थोड़ा सा एक बाहर निकलने का मौका मिला, और बस इंजॉय करते हैं अपने इस ट्रिप को, और मैं दिखाती रहती हूँ साथ साथ ये वीडियो। Thank you.
तो यहाँ पर लीना और मेहरान टैब पर यूट्यूब देख रहे हैं और ट्रेन की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। तो और ट्रेन बिल्कुल भी खाली है, कोई नहीं आया, बस ये 6 बर्थ पे बस हम ही हैं और नेक्स्ट की भी बर्थ पे बस एक कोई है और उस साइड भी कोई हस्बैंड वाइफ है। तो बहुत आराम आराम से हमारी जर्नी हो रही है और हम इंजॉय करते करते आ रहे हैं। और ये खुशी है अपने मम्मी के घर जाने की। नेक्स्ट डे पापा का बर्थडे और मैं पापा को सरप्राइज़ दूँगी, तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये बस मैंने एक कॉफ़ी ली थी और ये 25 रुपए की एक कॉफ़ी मुझे मिली, खैर टेस्ट ठीक था। तो ये हो रही है शाम और मेहरान टैब में अपना कुछ देख रहे हैं और शाम का हमारा जो भी है नाश्ता रोटी जूस स्नैक्स सब हो चुका है। और ये देखिए अब सब अब शाम हो रही है। तो ट्रेन तो अभी भी तो शाम से अब रात हो गई है और हम पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल। टाइम हो रहा था 8:30 और ये 10 मिनट बिफोर आ गई थी ट्रेन। तो यहाँ पर भी मैं दिखा देती हूँ, खाली हो रहा स्टेशन और मैं थोड़ा सा नीचे उतरी थी वीडियो बनाने के लिए क्योंकि यहाँ पर 15-20 मिनट रुकती है ट्रेन। तो दिखा देती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं हो रही है और बस हमेशा मैं ट्रेन के अंदर से ही कानपुर देखती थी बट इस बार मैं प्लेटफॉर्म पे उतर गई वीडियो बनाने के लिए। और जो टाइम है वो 8:45 PM हो रहा है, मैंने 8:30 बोला नहीं, 8:45 हो रहे थे, तो 10 मिनट बिफोर थी ये ट्रेन। तो हमने अपना डिनर कर लिया था कानपुर स्टेशन पर ही, हमने अपना डिनर कर लिया था और मैंने घर की वो पूरी सब्ज़ी मैंने वो जो बनाया था वो लिया था। और ये मेहरान अपना नाइट सूट पहन के रेडी हो गया है क्योंकि आपको ट्रेन पे ना चादर मिलेगा, ना ब्लैंकेट मिलेगी, ना टॉवल मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना पिलो मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने घर से ही लेकर जाना है। तो बस मेहरान की मस्ती हो रही है और वो सोने के लिए रेडी है, सोया तो बहुत लेट था। तो ये हो गई है सुबह और हम पहुँच गए हैं झारखंड में, हमारी एंट्री हो गई है और ये है गोमो जंक्शन और यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी और इसी टाइम मैंने अलार्म लगाया हुआ था 5:45 AM का, तो मेरी आँख खुल गई थी और ये देखिए 5:50 AM हो रहा है और 32 किलोमीटर बस दूर है बोकारो स्टील सिटी, मेरा प्यारा शहर, मेरा प्यारा होम टाउन। और मेहरान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, कब आएगा, हम कब पहुँचेंगे। तो बस हम पहुँच गए और आधे घंटे बाद हम अपने होम टाउन में पहुँच जाएँगे। और दिखाऊँ मैं, यहाँ काफ़ी ग्रीनरी है, झारखंड काफ़ी अच्छा है, आप सबको भी जो झारखंड से हो पता होगा बोकारो रांची के बारे में, तो ग्रीनरी काफ़ी नज़र आती है, काफ़ी पीस वाली जगह है, सुकून बहुत है, छोटी सी सिटी है, काफ़ी खूबसूरत सी। मैं घुमाऊँगी आगे अपने आप, बोकारो भी दिखाऊँगी, सब कुछ ठीक है अभी तो मैं दिखा सकती हूँ। और ये है वहाँ की गरगा नदी, गरगा डैम जो बोलते हैं, तो इसके ऊपर जो ब्रिज है वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और ग्रीनरी तो बहुत देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। और बस हम आ गए हैं और ये हमारा बोकारो स्टील प्लांट है, आप देख सकते हैं बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी। तो पहुंच गई हूं मैं बोकारो स्टील सिटी, अपने होम टाउन, अपने मायके, और मायके आने की एक अलग ही खुशी होती है और वो सबको होती है, हर बेटी को होती है शादी के बाद अपने मायके आने की खुशी। और ये मेहरान और मुझे मेरे जीजू लेने के लिए आए थे, मेरी आपी यानी बड़ी सिस्टर और जीजू, इन्हें मैंने बताया था कि मैं आ रही हूँ तो वो मुझे लेने के लिए आए थे। और ये दिखा देती हूँ बोकारो स्टील सिटी का जो स्टेशन है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है और बहुत ही प्यारी सी जगह है, मैं ज़रूर आप सबको दिखाऊंगी। और बस गाड़ी आ गई थी, जीजू लेने आ गए थे और बस हम चले अपने घर।
तो पापा मम्मी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। शाम में मैंने पापा का केक लेकर मैं आई और एक फैमिली गैदरिंग में बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।